बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड किचन। कैसे हैं वीवर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आज जो मैं खाने में बना रही हूँ, टिंडे हैं, बरमाटिंग भी बनाते हैं, लेकिन ये मैं आपको बहुत ईजी तरीके से बताऊँगी और क्विकली बन जाएंगे। ये आधा किलो टिंडे हैं, इनको मैंने अच्छे से धो के कटिंग कर लिया, और जिनके बीज थोड़े से पक्के थे वो मैंने निकाल लिए हैं। इसमें जाएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर का भी पेस्ट मैंने रेडी कर लिया। इधर सूखे मसाले हैं मेरे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, हल्दी, 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच सूखी मेथी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। तो अभी सबसे पहले हम बड़ा सा बर्तन लेते हैं और उसमें टिंडे को मैरिनेट कर लेते हैं। ये बर्तन मैंने धो के रख लिया, टिंडे पहले इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाह, फिर सारे मसाले डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेते हैं इसी में, और टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट भी। बिस्मिल्लाह, और इसको हाथों का हाथ मैंने अच्छे से धो लिए, साफ कर लिया हाथों को, ऐसे अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेंगे। ऐसे टेस्ट आएगा जैसे बरवा टिंडे का टेस्ट आता है। और इसको 5-6 मिनट के लिए जो है रख देंगे, तो चूल्हा भी मेरा मैंने चला लिया, इसको मैरिनेट करके मैंने रख लिया। अब ये 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि सारा मसाला इसमें आ जाए। तब तक हम अपने प्याज जो है वो फ्राई कर लेते हैं। इसे मैरिनेट कर लिए हैं, तो चूल्हा मैंने जला लिया, कढ़ाई ऊपर रख ली और डाल लिया, तो प्याज फ्राई करते हैं, तो साथ इसको डाल के भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आपने मेरे साथ बने रहना और मेरे वीडियो को फुल वॉच करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल शामिल किया है हमने इसमें, 1/2 चम्मच जीरा डाल के जीरे को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे जीरे की खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें प्याज शामिल करके प्याज को भी अच्छे से ब्राउन कलर का कर लेंगे, फिर हम अपने मैरिनेट जो किए हैं टिंडे वो शामिल कर लेंगे। हाँ जी, जीरे की खुशबू बहुत ज़बरदस्त आने लग गई है, तो अभी मैं इसमें अपने प्याज शामिल करती हूँ। और आप लोग बताइए कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करें कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं, किस शहर से, किस सिटी से और किस मुल्क से देखते हैं। हाँ जी व्यूअर्स, तो अभी हम प्याज शामिल कर लेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कलर का कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो व्यूअर्स, प्याज जो हैं वो फ्राई हो रहे हैं और जीरे की बहुत ज़बरदस्त खुशबू हो रही है, तो अभी हम थोड़ी देर और इसको फ्राई करेंगे, फिर इसमें अपने मैरिनेट टिंडे शामिल कर देंगे। तीसरा टिंडे भाई एक तो क्विकली बन जाते हैं, दूसरा मज़ेदार बहुत ही बनते हैं। तो हाँ जी, ये देखेंगे इस तरह के प्याज फ्राई करने हैं मैंने, वो फ्राई हो चुके हैं, तो अभी हम इसमें अपने टिंडे का जो मैरिनेशन कर के रखी हुई है मैरिनेट टिंडे इसमें डाल जी। तो बिस्मिल्लाह, मैरिनेट टिंडे जो हैं वो डाल के इसको अच्छे से आज मैं फ्राई करूँगी। बहुत ज़बरदस्त मसाले की खुशबू आ रही है। देखें जी, तो व्यूअर देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और देखें अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो अभी टिंडे जो हैं वो कच्चे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी 1/2 कप के करीब पानी लगा दूँगी ताकि ये अच्छे से गल भी जाए और पक भी जाए मज़ेदार टिंडे।
अभी मैं इसको नॉर्मल आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाऊंगी तो ये अच्छे से गल जाएंगे। देखिए माशाल्लाह से टिंडे रेडी हो गए हैं, बस थोड़ा सा इसको और पकाते हैं। जैसे ही तरी ऊपर आ जाएगी तो फिर हम इसको नीचे उतार देंगे। बहुत ज़बरदस्त और यम्मी किस्म के टिंडे बने हैं, तो आपने मेरे साथ रहना, बने रहना और मेरी वीडियो को फुल वॉच करना और कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है। देखिए माशाल्लाह से मेरे टिंडे, अचारे टिंडे रेडी हैं, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सालन बना है। आप भी ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। और देखें कलर भी कितना ज़बरदस्त आया, सालन के कलर से ही पता चल जाता है कि सालन कैसा बना है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और आप भी मेरी रेसिपी ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। गर्मियों में टिंडे की सब्ज़ी जो है उसकी तस्वीर ठंडी होती है और बहुत मज़े की लगती है। उसको गोश्त में भी बना ले, सादे बना ले, आलू डाल के बना ले, बरवा बना ले, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो मैंने आज इस तरह बनाए तो मैंने सोचा आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँ। तो अभी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।